हेलो गाइस, बात करने वाले हैं एरिका फर्नांडिस के बारे में, आयशा सिंह के बारे में। एरिका और आयशा की हम बात करें तो अभी तक इन दोनों को कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट में साथ देखने को नहीं मिली हैं। ऐसा किसी भी प्रोजेक्ट में साथ देखी गई हूँ ऐसा नहीं है, और ना ही कोई अवार्ड फंक्शन में ऐसा साथ में देखी गई हूँ। शायद ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानती भी नहीं है, लेकिन ऐसे में इन दोनों को लेकर बातें सामने आ रही हैं। तो क्या सच में इन दोनों को लेकर कोई न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया जा रहा है जहाँ पर मेकर्स इन दोनों को कास्ट करने वाले हैं? क्या कोई डेली शो होने वाला है जहाँ पर एज अ सिस्टर्स दोनों नज़र आने वाली हैं, या फिर कोई सौतन के कैरेक्टर में दोनों देखने को मिलने वाली हैं, या फिर कोई OTT प्लेटफॉर्म पर प्रोजेक्ट रिलीज होने वाला है जहाँ पर दोनों उस शो का हिस्सा बनती हुई नज़र आएंगी? भाई बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। पर आपको बता दें, एरिका फर्नांडिस के न्यू प्रोजेक्ट को लेकर बातें सामने आ रही हैं ज़ोरों शोरों से, तो वहीं आयशा सिंह के न्यू प्रोजेक्ट को लेकर भी बातें ज़ोरों शोरों से सामने आ रही हैं। ऐसे में इन दोनों को एक साथ देखा जा रहा है कि शायद दोनों एकता कपूर के न्यू प्रोजेक्ट का हिस्सा बनती हुई नज़र आने वाली हैं। अब दोनों के प्रोजेक्ट अलग होंगे या फिर एक ही होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि अगर ये दोनों साथ में अगर नज़र आते हैं तो डेफिनेटली इससे बड़ी गुड न्यूज़ फैंस के लिए नहीं होने वाली, क्योंकि वो बात अलग है कि दोनों को अभी तक कहीं भी साथ देखा नहीं गया है और ना ही फैंस ने इन दोनों के बारे में कुछ सोचा होगा। लेकिन फिर भी इन दोनों की फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी है, और दोनों ही अगर एक साथ एक प्रोजेक्ट के अंदर नज़र आती हैं तो डेफिनेटली इन दोनों के ही फैंस इस बात से खुश नज़र आएंगे। दोनों को ही लोग देखना चाहते हैं, लगातार डिमांड कर रहे हैं, दोनों ही हाई डिमांडेड एक्ट्रेस हैं। तो ऐसे में अगर ये दोनों ही नज़र आती हैं एक ही प्रोजेक्ट के ज़रिए, तो फिर इससे बड़ी गुड न्यूज़ फैंस के लिए क्या होने वाली है? अगर हम बात करें एकता कपूर के प्रोजेक्ट में, अभी तक आयशा सिंह देखने को नहीं मिली है, लेकिन अगर हम बात करें एरिका फर्नांडिस के बारे में तो वो एकता की क्वीन रह चुकी हैं। तो ऐसे में देखते हैं कि आने वाले न्यू प्रोजेक्ट को लेकर कितना एक्साइटेड हैं लोग, और साथ ही न्यू प्रोजेक्ट में क्या कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, और ये खबरें या फिर रूमर्स वक्त ही बताएगा। एक्साइटमेंट बताना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।